अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है और इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस महकमा के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट हैं। गोपालगंज में जो डीएसपी हैं वो भी वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी दरमियान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो बाइक जो चला रहा था उस पर थप्पड़ बरसाती हुई दिखती हैं, डंडे चलाती हुई दिखती हैं। आपको बता दें कि जो डीएसपी ज्योति कुमारी हैं उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि जब उन्होंने पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं पहना है तब सामने वाले ने कहा कि तुमने गाड़ी कैसे रुकवा दिया, क्यों रुकवाया, जिसके बाद मैंने चाटा मारा, डंडे बरसाए। हालांकि जिस पर डंडे बरसाए गए, जिनको जो है लपड़ मारा गया, उनसे बातचीत नहीं हुई, उनका पक्ष सामने नहीं आया है। तो बता दें कि गोपालगंज में भी जो है बंद का असर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन चप्पे चप्पे पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो अलर्ट हैं। सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर कई बातें लिखी जा रही हैं। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि जो डीएसपी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, ये अपराधियों के सामने नतमस्तक होते हैं, अपराधियों की जीहजूरी करते हैं, लेकिन जब कोई एक आम बाइक वाला बिना हेलमेट के जाता है तब वो जो है मारपीट करते हैं, लपड़ मार देता है, कोई गाली दे देता है। और ये पूरे बिहार में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं इस तरीके से जो आम लोग हैं उनके साथ हरकत करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अगर हेलमेट कोई नहीं पहना हुआ तो फाइन लेकर छोड़ देना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी भी बातचीत करने के दरमियान ही अधिकारी भड़क जाते हैं और उन्हें जो है लपड़ रस्सी कर दिया जाता है। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। गोपालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, दूसरे बाइक वाले पर डीएसपी ज्योति कुमारी डंडे बरसाती नजर आई। डीएसपी के चाटा मारने का वीडियो सामने आया है जिसमें युवक बाइक की चाबी मांगता है, जिस पर गुस्से में ज्योति कुमारी से थप्पड़ रसीद कर देती हैं। दो से तीन बाइक वालों की पुलिस अधिकारी ने पिटाई कर दी। चेकिंग को लेकर लोगों में हड़कंप है। बता दें कि जिला में 144 जो है वो लागू हो चुका है, जिला प्रशासन अलर्ट है। 144 धारा का मतलब ये है कि ज्यादा जो समूह में जो लोग हैं वो कहीं नहीं दिख सकते हैं, घरों में रहने की बातें कही जाती हैं। और इस दरमियान जो डीएसपी हैं वो टू व्हीलर की जांच की गई, कागजात की जांच किए गए, जो हेलमेट नहीं पहना था उस पर फाइन लगाया गया। इस मसले पर जो है ज्योति कुमारी जो डीएसपी है उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जो है हेलमेट चेक किया, वाहन चेकिंग कर रहे थे, तब सामने वाला शख्स चाबी मांग रहा था, बदतमीजी कर रहा था, लेकिन ये डीएसपी का अपना तर्क है। सामने वाले का बयान नहीं आ पाया है कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद डीएसपी ने लाठी बरसाने शुरू कर दिए, थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। नियम ये होता है कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ है, अगर उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं है, तो आप फाइन मार सकते हैं, लेकिन आप किसी पे भी हाथ नहीं उठा सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहां पर जो दरोगा होते हैं वो बदतमीजी करते हुए दिखते हैं जब सामने वाला उनसे कोई वाजिब सवाल पूछ देता है। और ये जो फाइन काटने के हालात हैं, चाहे हेलमेट के बदले हो या फिर गाड़ी चेकिंग के नाम पर हो, ये क्या इसके नाम पर क्या कुछ होता है, ये हर किसी को पता है कि कैसे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो रोज जो है हजारों का माल इसी तरीके से कमाते हैं। हेलमेट अगर नहीं पहना है तो 200 रुपये लेके छोड़ देंगे, और इस तरह के कई वीडियो वायरल होते हैं। तो देखिए आज जो है अलग अलग जगहों पर बकायदा 144 जो है वो लागू कर दिया गया है, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया। और पिछले दिनों जो है अग्निपथ में क्या कुछ हुआ ये हर किसी को पता है। पुलिस प्रशासन पर अपना दबाव भी होता है और शायद इसी दबाव का नतीजा रहा हो, लेकिन इसके पीछे जब तक सामने वाले का पक्ष नहीं आ जाता हम कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन ज्योति कुमारी जिनका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो जो है वाहन चेकिंग करती हैं, हेलमेट चेकिंग करती हैं, और इसी दरमियान का वीडियो है जब वो किसी एक शख्स को जो है थप्पड़ मार देती हैं और दो तीन लोगों पर लाठी बरसाती हुई दिखती हैं। हालांकि सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं जो उनके पक्ष में लिख रहे हैं कि कुछ बाइक वाले जो है अगर बदतमीजी करेंगे तो पिटाई होगी। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो आम लोगों पर तो अपना गुस्सा निकाल देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, इसके अलावा डंडा भी बरसा देते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा अपराधी होता है तब उसके खिलाफ FIR दर्ज करने तक हिम्मत नहीं होती। यही अधिकारी जो है उनके सामने सैल्यूट करते हैं, लेकिन आम आदमी को ये अधिकारी जो है वो जानवर से भी बदतर समझते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पर जरूर बताइएगा। आप देखते रहें NBC 24, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।